Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मॉनसून में समर्स में मेरे लिए वर्क करते हैं. तो गाइज, इतनी गर्मी है, इतना ह्यूमिड वेदर है ना दिल्ली में कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं ज्यादा मेकअप लगाऊं. रैदर कुछ भी अगर हम मेकअप लगाते हैं जरा सा भी हैवी बेस हो जाता है ना तो ऐसा लगता है एकदम स्वेटिंग हो जाएगी. सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखा देते हैं वीडियोस में भी और मे भी जब मैं ऑफिस जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ. सो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ वही सब शेयर कर देती हूँ कि थोड़ी सी कम स्वेटिंग होगी. ऑब्वियसली स्किन केयर नहीं है, सिर्फ मेकअप है. सो जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ, जो मेरे आजकल के फेवरेट्स हैं, बेसिक से प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए. हाँ जी गाइस, सो पहली चीज हम लोगों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि बेस लगाना है कि नहीं लगाना है. सो समर्स में थोड़ा बहुत बेस ही मैं यूज करती हूँ, कभी कभी तो बिना बेस के काम चल जाता है, कंसीलर लगा सकती हूँ. बट मैं अगर बेस लगाना होता है तो नायका की ये स्किन जीनियस वाली फाउंडेशन स्टिक में यूज करती हूँ. तो मुझे ज्यादा इसको सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें 4-5 शेड आते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो. काफी क्रीमी है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है और एक नो मेकअप मेकअप काइंड ऑफ लुक देती है. मेरा शेड है 01, आप अपने हिसाब से अपना शेड चूज कर सकते हो. मैं इसको ज्यादा पाउडर वाउडर लगा के सेट भी नहीं करती हूँ. सो मेरे लिए वर्क करती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपके लिए क्या वर्क करता है. सो एज अ कंसीलर भी ये वर्क करता है और एज अ बेस एज अ फाउंडेशन भी वर्क करता है. सो दिस इज लाइक टू गुड. आजकल मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ. उसके बाद बारी आती है मस्कारा, विच इज अ मस्ट हैव. तो मेरे को ये पसंद है पर्सनली, मेबलीन का ये हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा. मस्कारा 90% ऑफ द टाइम मैं वॉशेबल ही यूज करती हूँ बिकॉज दैट इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, आप अपने हिसाब से देख लेना. सो ये काफी अफोर्डेबल भी है ये हाइपर कर्ल वाला, और मेबलीन के मस्कारा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. सो आजकल मैं इसे यूज कर रही हूँ इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है. उसके बाद है काजल, ये लैक्मे का काजल है, आइकॉनिक काजल है. आई बिलीव सब लोग को पता ही होगा, सब लोग यूज करते हैं. देखो कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ मैं. पहले मैं इतना ज्यादा काजल बीच में लगाना बंद कर दिया था, बट यस ये देखो जी टूट भी गया. एनीवेज मेरे पास इसके बैकअप है और मैं आजकल नया एक काजल मंगवाया हुआ प्लम का. सो काजल मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ, जो भी मेरी मर्जी होती है, बट आजकल मैं ये लैक्मे का यूज कर रही थी सो मैंने सोचा दिखा देती हूँ आप लोगों का. सो टूट भी गया, ये थोड़ा सा बच गया है, सो आई थिंक मुझे प्लम का निकालना पड़ेगा अब. एनीवेज ठीक है. उसके बाद मैं यूज करी जो आई शेडो पैलेट, वो है ये हुडा ब्यूटी का कोरल ऑब्सेशंस पैलेट. आप इसकी हालत देख लो एक बार, ये देखो जी, ये रखिए इसकी हालत. सो ये वाला शेड तो खाली हो चुका है, इसको देखो कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ, इसको देख लो. सो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. सो डेली वेयर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं काफी इसको यूज कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे ये पैलेट काफी अच्छा लगता है. सो आई थिंक अब ये इंडिया में नहीं मिलता, आई डोंट नो बाहर मिलता है कि नहीं मिलता, बट इंडिया में नहीं मिल रहा है. सो बट ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बट मैं इसको ज्यादा यूज कर रही हूँ. सो ये है कोरल ऑब्सेशंस पैलेट बाय हुडा ब्यूटी. उसके बाद जो मैं यूज कर रही हूँ, जो लिप शेड आजकल मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, दिस इज बाय रेवलॉन. ये उनका अल्ट्रा HD मैट लिप कलर है एंड दिस इज इन द शेड सिडक्शन. काफी नेचुरल न्यूड शेड है, खत्म भी होने वाला है आप देख सकते हो. सो काफी नेचुरल है, काफी अच्छा है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, एकदम न्यूड है. सो अगर आप मेरे से थोड़े से मीडियम स्किन टोन के हो तो मे बी इट विल वॉश यू आउट, बट मेरे स्किन पे बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज बाय रेवलॉन अल्ट्रा HD मैट लिप कलर इन द शेड सिडक्शन, वेरी वेरी गुड. अगर ये अभी भी अवेलेबल है तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है. उसके बाद मैं यूज करती हूँ बेनेटेंट फ्रॉम बेनिफिट. तो आई बिलीव ये तो हर कोई यूज करता ही है आजकल, लिप एंड चीक टिंट्स का बहुत ज्यादा फैशन है. सो मिनिमल मेकअप भी रहता है फॉर नो मेकअप मेकअप लुक. बेनिफिट का ये टिंट बहुत अमेजिंग है, मेरा फेवरेट है, खत्म होने वाला है आप देख सकते हो. अगर मुझे पाउडर ब्लश यूज करना होता है देन आई यूज दिस फ्रॉम मैक, दिस इज द न्यू रोमांस मिनरलाइज ब्लश एंड दिस इज बाय मैक. आप इसको देख सकते हो कितना ज्यादा यूज कर चुके हैं मैं. थोड़ी सी शीन है इसमें एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी नेचुरल. डे टाइम में भी बहुत अच्छा लगता है, नाइट टाइम में भी बहुत अच्छा लगता है. सो आई जस्ट लव इट. सो आप देख सकते हो आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन इट, इट्स ऑसम. एक बार ट्राई कर सकते हो आप ये मिनरलाइज ब्लशेस बाय मैक. ये लाइट चली गई है बट मेरा लास्ट प्रोडक्ट ही रह गया है, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो. सो अच्छा हाँ, अगर आपको बेनेटेंट थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर क्रीम बेस्ड टिंट देन यू कैन ट्राई दिस वन बाय द ब्रांड सीयर सीक्रेट्स. सो दिस इज ब्लश इट अप पिंक लेमनेड लिप एंड चीक टिंट. अभी रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये इसका वेरियंट है बीट रूट में. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफी क्रीमी है
और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है स्किन पे. सो दिस इज हाउ द स्वॉच इज. एक मॉवी पिंक शेड है. आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी शेड ले सकते हो. आप देख लेना जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है शेड आप वो ले सकते हो. बट ये भी काफी अच्छा टिंट है, काफी अफोर्डेबल भी है. बेनेटिन थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये वाला 599 के अराउंड आपको मिल जाएगा और काफी अच्छे शेड रेंज है इसमें. हर स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड रेंज मिल जाएगी. तो सेयर सीक्रेट्स का मैं लिंक डाल दूंगी, आप एक बार जरूर चेक कर लेना. ठीक है जी. सो गाइज आई होप आपने वीडियो को एंजॉय कर लिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.